हाय दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग एक प्रॉफिट का व्यवसाय है। कुछ लोग इसमें बहुत सफल हो जाते हैं और कुछ लोगों को इसमें नुकसान भी हो जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे बड़ा खर्च फीड मतलब दाने का होता है, जो लगभग सारे खर्च का 70% तक होता है। अगर आप इस फीड को के खर्च को 50% भी बचा लिया तो आप एक सफल फार्मर बन जाएंगे। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है फ्री रेंज फार्मिंग, और अगर इसी फ्री रेंज फार्मिंग में थोड़ा और दिमाग का इस्तेमाल करें तो आप मुर्गी पालन में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आप अपनी मुर्गियों को सिर्फ 30 से 40 ग्राम रोज दाना दें और बाकी उन्हें हरा चारा खिलाएं। हरे चारे में मेरे हिसाब से सबसे अच्छा हरा चारा अल्फा अल्फा घास होती है। ये 1 साल और 3 साल वाली आती है। जिस तरह से मैंने अपने फार्म पर हरे चारे का इंतजाम किया था, अगर आप भी उसी तरह से इंतजाम कर लें तो कभी भी आपको हरे चारे की कमी नहीं होगी। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि हमने कैसे हरे चारे का इंतजाम किया था। दोस्तों, मैं हूं सिद्दीकी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री बर्ड्स। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले या अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको पोल्ट्री बटेर बर्ड से संबंधित जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। आइए शुरू करते हैं। मैं पिछले कई सालों से फ्री रेंज फार्मिंग कर रहा हूं, लेकिन पिछले 2 साल पहले मैंने अपने फार्म पर, जहाँ मैं अपनी मुर्गियों को छोड़ता था घास और कीड़े मकोड़े खाने के लिए, वहाँ मैंने थोड़ी थोड़ी दूर पर 2x2 का छोटा छोटा खेत बनाया और उसके चारों तरफ सरिया लगाकर जाल बना दिया, जिससे मुर्गियाँ अंदर नहीं जा पाती थीं, जिससे हमारी घास हमेशा निकला करती थी और वो बाहर से उसे खा लेती थी। इससे हमारी वो घास 2 साल तक चलती रही और ये जो घास थी उसकी लाइफ सिर्फ 1 साल थी। मैंने टेस्टिंग के लिए 1 साल वाली अल्फा अल्फा घास लगाई थी, लेकिन ये लगभग 2 साल तक चलती रही, जो अब जाकर ख़त्म हुई है। और अभी भी ये चलती रहती, लेकिन मैंने इसे ख़त्म कर दिया क्योंकि मुझे दोबारा 3 साल वाली घास बोनी थी, जो अक्टूबर में बोई जाती है। अब जब मैं फिर से घास की बुवाई करूँगा तो उसकी पूरी वीडियो अपलोड करूँगा। इसमें जो पन्नी आप ब्लैक कलर की देख रहे हैं, उसी पे मैं अपने बर्ड्स को दाना देता हूँ। और पर हेड एक बर्ड्स को 40 ग्राम के दाने के हिसाब से मैं इनको दाना देता हूँ।
ये अल्फा अल्फा घास है, देख लीजिए इसे, यही अल्फा अल्फा घास है।